नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। इसी के साथ वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस जीत के बाद उनके आवास पर खुशी का माहौल था। जीत की खबर सुनते ही लड्डू बटने का सिलसिला शुरू हो गया। बेटे की जीत पर पिता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत ही खुशी का दिन है हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए। ये हमारे पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल हासिल किया। पूरे देश के लिए ही बहुत खुशियां दे रही थी, बहुत अच्छी तैयारियां थी उनकी और हमें उम्मीद भी थी कि वो बेहतर करेगा और उस पर वो खरा उतरा। सर, एक मेरा प्रश्न था, शादी की तैयारी कब तक करने की है? अभी तो कुछ नहीं है, 2024 का जो ओलंपिक होगा इसके बाद ही सोचेंगे उसके लिए। अब क्या कुछ क्या स्वागत तो करने वाले हैं सर, अगर नीरज चोपड़ा आता है क्या कुछ रहने वाली है? जी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां रखेंगे हम लोग, अभी उसके 3-4 इवेंट बचे हैं, उसके बाद जब भी इंडिया आएगा बड़ा खुशी से मनाएंगे सब कुछ। लड्डू वगैरह बट रहे हैं तो सर लड्डू वगैरह? हाँ हाँ, क्यों नहीं बट रहे हैं, सभी लोग बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं सभी। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि बधाई हो नीरज चोपड़ा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आपके अभूतपूर्व 88.17 मीटर थ्रो के कारण आप डायमंड लीग ट्रॉफी, विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण और ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। आपकी उपलब्धियां पूरे देश की भावना को ऊपर उठाती है। प्रत्येक भारतीय गर्व और प्रेरणा से सातवें आसमान पर है। जय हिंद। वहीं हरियाणा के CM ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारत के चमकते सितारे को मेरी हार्दिक बधाई। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर एक बार फिर इतिहास रचा है। 88.17 मीटर के शानदार भाला फेंक के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम सभी को आप पर बेहद गर्व है। नीरज चोपड़ा की इस जीत पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बधाई देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सभी भारतवासियों की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई। एक बार फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स ने। स्वर्ण पदक भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीतना, और यही नहीं, इससे पहले भी एशियन गेम्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, टोक्यो ओलंपिक्स हों, चैंपियन लीग टाइटल हो, अंडर 20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि ना केवल नीरज बल्कि पहले 6 खिलाड़ियों में हमारे 3 खिलाड़ियों का नाम आया है। 5वें नंबर पर किशोर जेना ने, तो 6ठे नंबर पर, 6वें नंबर पर मनु DP ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ये शुरुआत है भारत की। ये पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ वर्षों में आप देखोगे भारत ने एक के बाद दूसरे खेल में शानदार प्रदर्शन किया है और स्पष्ट तौर पर नजर आता है, कभी रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, आर्चरी, चेस और अब जैवलिन एथलेटिक्स में, और 4x400 में भी हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन एथलेटिक चैंपियनशिप में किया अन्य खेलों में। इससे दिखता है कि कैसे भारत में खेलों का वातावरण बना है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलों का बजट भी 3 गुना ज़्यादा किया, टॉप जैसी योजनाएं चलाई, खेलो इंडिया योजना चलाई, खेलो इंडिया सेंटर्स खोले, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले, इनसे खिलाड़ियों को सुविधाएं भी बढ़ी और खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करके देश के लिए मेडल जीते हैं। मेरा एक बार फिर नीरज चोपड़ा को और बाकी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।